बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आरएसपुरा सेक्टर में एक बच्चे की मौत हो गई है। पाकिस्तान की फायरिंग की चपेट में आकर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में एक मासूम की मौत हुई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आने का नाम नहीं ले रहा। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में एक बच्चे की मौत हुई है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की जा रही है उसी की चपेट में आ गया ये मासूम बच्चा। लगातार सीमा से सटे हुए जो गांव वाले हैं वो खतरे में जीने के लिए मजबूर हैं। उनकी तरफ से बताया जा रहा है किस तरीके से वो दहशत में हैं, लेकिन मजबूरी उनकी ये कि अपने गांव, अपने घर बार, अपने मवेशियों को छोड़कर जाएं तो कैसे जाएं, और इसी वजह से मजबूरन गांव में रह रहे हैं ये लोग खतरे के बीच। खतरा जो पाकिस्तान की तरफ से कभी भी बिन बताए धमक रहा है फायरिंग बमबारी के तौर पर, और इसी की चपेट में आकर आरएसपुरा में एक बच्चे की मौत हो गई है। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाछलू, जो खुद खतरे में रहकर जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं एबीपी न्यूज के लिए, ताकि आप तक सही तस्वीर पहुंचा सके सीमा से सटे इलाकों की। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर खुद मौजूद है अजय बाछलू। एक मासूम की मौत हो गई है अजय, पाकिस्तान की नापाक करतूत की वजह से? ये बिल्कुल बहुत दुखद है। एक करीब 15-20 साल का लड़का है, कपूरपुर इलाका पड़ता है आरसपुरा में, जो कि सीमा से बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है। 15-20 साल का लड़का है, उसकी जो है मौत बताई जा रही है फायरिंग में। काफी दुखद माहौल है हर तरफ, मैं बताऊं यहाँ पर सीमा में, सीमा पर चाहे वो आरसपुरा हो, चाहे अर्निया हो, चाहे काचक हो, चाहे अखनूर हो, लगातार मासूमों की जान जा रही है। और इसी सिलसिले में एक छोटे बच्चे की जान गई है, और कहीं ना कहीं ये दोनों देशों को समझना होगा कि इस फायरिंग से अगर कुछ होता है तो बेचारे आम जो जनता है वो मरती है, और आम जनता का दर्द जो है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हम बॉर्डर पे हैं। लोग अपने घरों को खुला छोड़कर, घरों में बिना ताला लगाए भाग चुके हैं। ये स्थिति यहाँ बॉर्डर की है। तो अब जो गांव है, गांव में जो लोग हैं उनके खाने पीने की दुश्वारियां आ रही हैं, क्योंकि गांव में जब सब लोग चले गए हैं, सारी दुकानें बंद हैं, ऐसे में उनके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। यहाँ पर लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ शांति की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय बाछलू इस तमाम जानकारी के लिए। अजय बाछलू जो बता रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में जीने के लिए मजबूर सीमा से सटे गांव में रहने वाले लोग, और देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है उसकी चपेट में आकर करीब 15-20 साल का एक लड़का बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। तो जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में एक युवक की मौत हो गई है, पाकिस्तान की गोली से एक युवक की मौत। भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं ले रहा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।